हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कुक टू ईट यम्मी पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे स्टफ्ड कलरफुल इडलीज। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना, और कलर भी हम इसमें देंगे बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसकी स्टफिंग। स्टफिंग बनाने के लिए गैस पर एक कुकर चढ़ाएंगे। इसमें डालेंगे लगभग 1 टेबलस्पून ऑयल। इसे गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया, इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, और इसके अलावा इसमें डालेंगे दाल चने की, जिसे हमने 1 घंटे तक भिगो लिया था। इसे हल्का सा भून लेंगे। अब इसमें डालेंगे दूसरी सब्जियां, एक हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 टीस्पून अदरक बारीक कटा हुआ, 1 टेबलस्पून कैरेट जिसे हमने बारीक चॉप कर लिया है, और इसके अलावा 1.5 टीस्पून बीन्स, इन्हें भी हमने बारीक चॉप कर लिया है, और इसे अच्छे से 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। लगभग 1 मिनट हो चुका है। अब इसमें डालेंगे मसाले। डालेंगे 1/2 टीस्पून वाइट सॉल्ट, 1/4 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है। इसके अलावा डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाले हैं वो भून चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम लगभग 1 टेबलस्पून वाटर, क्योंकि हमें इस मिश्रण को ड्राई ही रखना है, ज़्यादा गीला नहीं बनाना है। अब इस मिक्सचर के लिए हम ढक्कन लगाकर इसको 3 सीटी लगा देंगे। फिलिंग तैयार हो चुकी है, जिसे हमने एक बाउल में निकाल कर रख लिया है। अब हम सूजी का घोल बनाएंगे इडली बनाने के लिए। इसके लिए मैंने एक बड़ा बाउल सूजी ली है, जिसमें मैं 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि जो हमारा दही है वो जल्दी से उसको फर्मेंट कर दे। इसके अलावा हमने जितनी सूजी डाली है लगभग उतनी ही दही हम इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, मिक्सचर को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढककर 1/2 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। फिलिंग तैयार हो चुकी थी, जिसे हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम अपने सूजी के मिक्सचर को देखते हैं। ये देखिए, इसे लगभग 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, इसके मैंने 3 हिस्से कर लिए हैं, जिसमें से आधा मिक्सचर है वो बड़े बाउल के अंदर है, और बाकी दोनों में 1/4 1/4 है। तो सबसे पहले हम इसको पॉरिंग कंसिस्टेंसी में लाएंगे। जो हाफ पोर्शन था उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएंगे, और इसे पॉरिंग कंसिस्टेंसी में ले आएंगे, क्योंकि जो सूजी है वो उसने दही का सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और वो अच्छी तरह से फूल चुकी है। ये देखिए, ये सही कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसे एक साइड में रख देते हैं। तो हमने 1/4 पोर्शन लिया था, उसमें हम डालेंगे बीटरूट का जूस, जो इसे कलरफुल बनाएगा, और इसे भी उसी तरह थोड़ा पतला कर लेंगे। ये हमने बीटरूट को ग्रेट करके और छलनी में से निचोड़ कर निकाल लिया है। ये देखिए, हमारा ये पोर्शन भी रेडी हो गया है। अब थर्ड पार्ट, जो कि 1/4 ही है टोटल अमाउंट का,
उसमें हम मिलाएंगे पालक का जूस। इसे हमने पालक को मिक्सी में ग्राइंड करके और निचोड़ कर निकाला है। ये इडली इसको ग्रीन कलर देंगे। ये देखिए लाइट ग्रीन कलर आ गया है और ये भी पोरिंग कंसिस्टेंसी में है। अब इडली के बैटर में इनो मिक्स करेंगे। उससे पहले हम गैस पर कम आंच पर इडली पॉट को रखकर उसमें थोड़ा पानी डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। अब इडली के मिक्सचर में इनो मिक्स करेंगे। जो हाफ पार्ट है उसमें हम डालेंगे 3/4 टीस्पून इनो और जो हमने 1/4 पार्ट लिया उसमें डालेंगे हम टीस्पून इनो और दूसरे पार्ट में भी 1/2 टीस्पून इनो डालेंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सभी इडली के सांचों को हमने ग्रीस कर लिया है। अब इसमें 1 टेबलस्पून इडली का मिक्सचर डालेंगे। इसके ऊपर डालेंगे फिलिंग 1 टीस्पून और इसके ऊपर दोबारा से डालेंगे हम थोड़ा सा इडली का मिक्सचर। इसी तरह हम सारी इडली को इसमें भर देंगे। सभी सांचों को हमने इडली स्टैंड में लगाकर अब स्टीम होने के लिए रख दिया है। इसमें लगभग 15 मिनट लगेंगे। उसके बाद हम अपनी इडली को चेक करेंगे। लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इडलियों को चेक करेंगे। एक फोक की सहायता से इसमें प्रिक करेंगे और ये देखिए बिल्कुल क्लियर बाहर आया है। इसका मतलब इडलियाँ तैयार हो चुकी हैं। अब हम इनको 5 मिनट के लिए रेस्ट देकर निकाल लेंगे। सारी इडली तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें चाकू की सहायता से ऐसे घुमाकर और निकाल लेंगे सभी को। देखिए इडली कितनी सॉफ्ट बनी है। अब हम इसे इस तरह अपनी सारी इडली देखिए बिल्कुल ब्रेड की तरह मोल्ड हो रही है। अब इसी तरह सारी इडली को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। सारी इडली को हमने प्लेट में निकाल लिया है और इसे गर्मा गर्म सांभर के साथ सर्व किया है। आप इसे नारियल चटनी या मूंगफली चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? यदि अच्छी लगे तो इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं तथा मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।